अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू समीयत रसोई। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है जी। सुबह सुबह का आगाज़ हो चुका है। जो समिया एज ए यूजल बोलती है तो टाइम हो गया है काम पे जाने के लिए, तो मैंने कहा चलिए मैं आपको भी साथ लेके चलती हूँ और देखें समिया पूरा दिन क्या करती है। फिर आज वेदर पे डिपेंड करेगा मैं क्या करूँगी। क्योंकि मेरा आज प्लान था टाउन जाने का, तो देखें अगर तो वेदर अच्छा हुआ तो चली जाऊंगी, अगर नहीं भी अच्छा हुआ फिर भी जाऊंगी। क्योंकि मुझे ज़रूरी कुछ चीज़ें चाहिए। काम के बाद मैं सीधे ही टाउन चली जाऊंगी, उसके बाद फिर घर आऊंगी, तो घर आके फिर आपको दूंगी रेसिपियाँ। आज का मेरा यही प्लान है, तो देखें फिर क्या करते हैं। गाड़ी जी बाहर आ चुकी है, तो आप सोच रहे होंगे आज फिर इसने कोट पहन लिया, तो आज बाहर हो रही है बारिश, तो बहुत सर्दी आई थिंक हो गई है दोबारा। गर्मी बस आई थी वीकेंड के लिए फिर चली गई है। तो मुझे लग रहा है सर्दी है और मैंने सोचा चले कोट पहन ही लेते हैं, तो चले आए फिर चलते हैं गाड़ी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक है? आज क्या हुआ है? लेट हो गए हैं? लेट हो गए बारिश की वजह से। ये देखें जी आज का वेदर। थैंक यू। आज हो रही है जी हल्की हल्की बारिश। आज सर्दी हो गई है ना? मैं देखें कोट पहन के आ गई हूँ। तभी मैं कहूँ गाड़ी इतनी गर्म क्यों है। वाह जी वाह। चलें जी हम चले हैं अपनी मंजिल की तरफ, तो आपको मिलते हैं जी वापसी पे। वापसी देखें फिर किधर होती है, घर होती है या टाउन में होती है। मैं जी काम के बाद आ चुकी हूँ टाउन में, तो चलें आपको भी अपने साथ लेके चलती हूँ और करवाती हूँ सैर। आज मैं जी पहुँच चुकी हूँ पोंडलैंड में। यहाँ से मुझे चाहिए कुछ चीज़ें। ये हैं जी पोंडलैंड में स्प्रे वगैरह भी। तो यहाँ से एक दो स्प्रे देखती हूँ। यहाँ से जी मैं लेने आई हूँ ये कलर कैचर। ये जब वॉशिंग लगाते हैं ना, तो वैसे तो वाइट कपड़ों में डालती हूँ, अगर कोई दूसरा गलती से डल भी जाए तो उसका कलर अगर निकले तो दूसरों वाइट वालों का लगता नहीं है। ये काफ़ी अच्छे हैं ये। ये देखें अगर आप मशीन में वॉशिंग मशीन में लनोर भूल जाएं तो इस तरह के आप ड्राई शीट मिलती हैं वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये घर में रखी होनी चाहिए, मेरे पास तो वैसे घर में है, इससे भी कपड़े काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। ये देखें जी पोंडलैंड पे हेयर कलर भी पड़े हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जी, हर चीज़ यहाँ से भी मिल जाती है। मैं कभी यहाँ से ले लेती हूँ स्प्रे वगैरह, और कभी मैं वो जो दूसरा स्टोर है उधर से जाकर ले लेती हूँ, होम बार्गेन वाला जो है। ये देखें जी इधर स्टोरेज के लिए बॉक्स भी पड़े हुए हैं। ये देखें जी क्रोकरी का भी सामान पड़ा हुआ है। म्यूजिक बहुत लगा हुआ है उस पर, तो मैं ज्यादा वीडियो नहीं बना सकूंगी। ये देखें जी मेरी हो गई है शॉपिंग यहाँ से फिनिश, तो चले आगे चलते हैं। अब चलते हैं जी टिक्के मैक्स की तरफ। तो बैग उठा कर तो चलना तो बहुत मुश्किल हो गया, मैंने पहले ही यहाँ से शॉपिंग कर ली है, तो अब जहाँ जाऊंगी तो मैं तो थक जो ना घर जाने तक। तो चले जी हम पहुंच चुके हैं टीके मैक्स। तो यहाँ से मुझे कुछ चाहिए था फेस के लिए, ऑयल चाहिए थे, और देखती हूँ अगर यहाँ से मिलते हैं तो। यहाँ से मैं ना एक कंडीशनर लेके गई थी बालों के लिए, वो मेरी बेटी को बड़ा पसंद आया था,
तो उसके बाद दोबारा कभी मिला ही नहीं है, तो मैं आज फिर देखती हूँ अगर मिलता है कि नहीं। टीके मैक्स का जी यही मसला है, एक दफा चीज ले जाओ दूसरी दफा कभी भी नहीं मिली आपको। वो तो मुझे मिला नहीं, तो मैं आ गई जो हैंडबैग वाली साइड पे। ये देखें कितने प्यारे लगे हुए हैं। ये देखें जी बैग तो देख लिए, अब आ गए हैं ग्लासेस वाली साइड पे। गर्मियां आ चुकी हैं, तो इधर है जी स्कार्फ, ये देखते हैं। मैं जी कैमरा इधर रख के तो स्प्रे चेक करने लगी हूँ, बड़ी अच्छी स्मेल है क्योंकि एक हाथ में बैग एक हाथ में हैंड बैग और ऊपर से मैंने क्या चेक करना चीज़ें। अच्छी स्मेल है इसके लिए। ये देखें जी मेकअप ऑर्गेनाइज करने वाला, वेरी नाइस। आगे आ जाते हैं ज्वेलरी की तरफ, इनकी ज्वेलरी भी बड़ी नाइस होती है। ये है जी घड़ियां वॉच, ये देखें ज्वेलरी। वेरी नाइस रिंग देखें, ये भी नाइस है। अब जी टीके मैक्स से निकलते हैं, अब चलते हैं दूसरे शॉपिंग सेंटर में। ये वाला जो शॉपिंग सेंटर है ना, ये बिल्कुल छोटा सा है, तो जो दूसरे वाला वो काफी बड़ा है, उसके आउटसाइड भी शॉप काफी ज्यादा है। तो चलें यहाँ से तो निकलें और बाहर से देखते हैं बाहर की जो शॉप है। आज आपको करवाते हैं फिर विंडो शॉपिंग, तो तुसी भी खुश तो समिया भी खुश। यहाँ से जी बस थोड़ी सी वॉक करके तो दूसरे शॉपिंग सेंटर पे जाना, तो देखें फिर। ये जी रास्ते में आ गए थे पिजन, तो मैंने कहा चले आपकी मुलाकात पिजन से भी करवाते हैं। हेलो जी पिजन, देखें कितना प्यारा है माशाल्लाह, वेरी नाइस। रस्ते में जी आ चुके थे फ्लावर, तो मैंने कहा चले मैं आपको वो भी दिखाती जाती हूँ। ये बड़े प्यारे माशाल्लाह लगे हुए हैं, ये देखें हर कलर का मिलेगा आपको, वेरी नाइस। दूसरे ये वाले दिखाती हूँ, ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। वाह जी वाह, दिल खुश हो गया फ्लावर देख के। ये जी हम पहुंच चुके हैं दूसरे शॉपिंग सेंटर में, और ये शॉप तो आपको पता ही है मुझे बहुत पसंद है। इधर से गुजरो ना, बड़ी अच्छी स्मेल आती है। चले ये जी समिया जा रही है ऊपर, तो मैंने कहा आपको भी साथ लेके चलती हूँ, जो पहले शॉप आएगी आप सब उधर ही चलेंगे, ठीक है। अब आ चुके हैं जी मेरी फेवरेट शॉप एक्सेसरी पे, तो चले चलते हैं जी अंदर और देखें क्या खूबसूरत लग रही है। समर आ चुका है, तो ये आप शॉप को ही देख के पता चल गया होना समर आ चुका है। ये देखें कितनी नाइस चप्पल लगी हुई है, सैंडल वेरी नाइस। तो आपको दिखाती हूँ समिया, ये है जी समिया। ये देखें मेरी हालत क्या हुई है बैग पकड़ पकड़ के। ये आगे हैं जी स्कार्फ वाली जगह पे, मैं एक्सेसरी के मुझे ये स्कार्फ इनके बड़े पसंद हैं। ये देखें समर वाले कितने नाइस लग रहे हैं। इनकी जी ज्वेलरी भी बड़ी नाइस होती है, ऐसा लगता है बड़ी नाजुक नाजुक सी ज्वेलरी है। अब जी यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं कहीं और, आपको भी साथ लेके चलते हैं। हो गई शॉपिंग, मजा आया फिर आप लोगों को देखा है मैं
आज आपको करवा रही हूँ विंडो शॉपिंग। चलें जी अब करते हैं थोड़ी सी रेस्ट, तो फिर थोड़ी सी और करते हैं शॉपिंग, तो फिर उसके बाद घर जाना है। चलें जी अब रेस्ट कर ली है, अब चलते हैं किसी और शॉप में और आपको करवाते हैं शॉपिंग। यहाँ पे भी स्कार्फ मिल जाते हैं, तो इधर देखें, मैं तो बस स्कार्फों की शौकीन हूँ। देखें जी समर के आ गए हैं स्कार्फ, बड़े अच्छे कलरफुल माशाल्लाह, वेरी नाइस। और इधर जी ज्वेलरी है, ये भी वेरी नाइस। इधर थोड़े और स्कार्फ पड़े हुए हैं, वहाँ से देख लिए हैं स्कार्फ। तो ये देखें जी इस तरह जगह जगह पे बनाए हुए हैं, जब थक जाएं शॉपिंग करके तो फिर यहाँ पे करें रेस्ट, फिर आगे चले। मैं तो पीछे रेस्ट करके आई हूँ। अब चलते हैं जी रिवर आइलैंड में, सो यहाँ से देखते हैं। अब आ गए हैं जी हैंड बैग वाली जगह पे, इनके भी हैंड बैग नाइस होते हैं, ये देखें वेरी नाइस। म्यूजिक देख ले, हर शॉप में लगा हुआ म्यूजिक। ये नाइस लग रही है, लेकिन इनकी हील बहुत ज्यादा है। मैं इतनी हील वाली पहन नहीं सकती, मेरे से तो चला ही ना जाए। ये भी नाइस है, देखिए कितनी नाइस है। इधर लगी हुई है सैंडल, ये नाइस है, ये वाली मुझे अच्छी लग रही है, ये वाली भी। इधर आ जाती है डिब्बी सब ये रसोई। आज मैं आपको बस ऐसे ही मिलूंगी। अब चलते हैं घर, तो घर जाके आपको देते हैं कि मजे की रेसिपी। आज के लिए इतनी ही शॉपिंग काफी है, तो चले आए अब घर चलते हैं। रस्ते में जा रही थी तो ही आ गई एक शॉप, तो मैंने कहा चले आपको यहाँ का भी विजिट करवाते हैं। और ये बड़ी नाइस लग रही है माशाल्लाह, अरे इधर भी इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना। और ये ट्री देखें कितना नाइस है, वेरी नाइस। ये देखें वेरी नाइस। अब जी हम घर पहुंच चुके हैं, तो अब देते हैं आपको मज़े की रेसिपी। आज बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ आए हैं, वो तो आपने सारी चीज़ें देख ही ली है, उससे आइडिया लग गया होगा आज क्या बनने वाला है। आज बनेगा चिकन टिक्का बर्गर, ये बच्चों की फरमाइश पे बनने लगा है, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। चलें आए अपने इंग्रेडिएंट की तरफ। इंग्रेडिएंट है बर्गर रोल, वो तो आपको पता ही है, उनके बगैर तो बर्गर बनेंगे नहीं है। तो ये मैंने थाई का चिकन लिया है इस तरह बड़े पीस, ताकि इजीली ये बर्गर में जा सके। योगर्ट, लेमन जूस, स्पाइस की तरफ आते हैं, चिकन टिक्का मसाला, ड्राई जिंजर, तंदूरी मसाला, गार्लिक पाउडर, नमक, और ये चिकन जिंजर मसाला है, और ये चुटकी भर फूड कलर है, ये रेड वाला है, लेटस, टमाटर, अनियन, ये भी बर्गर में जाएंगे, और जाएगी बर्गर सॉस, और जाएंगे चीज स्लाइस। चलें जी इसको मैरिनेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले डालते हैं चिकन, ये मेरा चिकन 1 kg है, 1 kg से भी थोड़ा ज़्यादा ही है, उसी हिसाब से मैंने स्पाइस डाले हैं, आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 1 kg के हिसाब से डाल रही हूँ 1 स्पून एवरीथिंग। और ये एक ही लेमन जूस, स्पून ऑफ 2 स्पून ऑफ योगर्ट। अब इसको करते हैं हम मिक्स,
इसको मैरिनेट करके तो हम 1 आवर के लिए रख देंगे। चलें जी, अब इसको हम 1 आवर के लिए रख देते हैं। चलें जी, इसको मैरिनेट हुए 1 आवर हो गया है, अब इसको बनाना शुरू करते हैं। एक पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालते हैं पहले, 3 से 4 स्पून के करीब। चूल्हा कर देते हैं ऑन। चलें जी, ऑयल हमारा गर्म हो गया है, उसमें डालते हैं। अब इसको 3 से 4 मिनट प्रोसेस की साइड चेंज करेंगे। लें जी, इसको 4 से 5 मिनट हो गए, अब इनकी साइड चेंज करते हैं। लें जी, 4 से 5 मिनट जिस साइड रखे हैं, ये बहुत मज़े का जूसी, ये देखें, और अच्छी तरह ये टेंडर हो चुका है। अब इसको निकालते हैं। इसी तरह हम अपने बाकी के बनाते हैं। चिकन रेडी हो चुका है, अब हम बर्गर को असेंबल करते हैं। सबसे पहले हम बर्गर सॉस डालते हैं इसके ऊपर, इस तरह। चलेंगे, चिकन का पीस रखते हैं ऊपर। अब जाती है चीज, इसके ऊपर जाएंगे अनियन, वो जितना आप पसंद करते हैं उसी हिसाब से डालिएगा। अब जाएगी लेटस, अब जाएगा टमाटर। ये देखें कितना मजे का हमारा बर्गर रेडी हो गया है। बिस्मिल्लाह, आई होप आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखें, अब दें हमें इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।